ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के कितने बजे हैं? 8 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। और सनाया भी इधर आ गई हैं भाई। एक्चुअली आज जो है वो अनी के मामा जी के बेटे की जो है इंगेजमेंट का प्रोग्राम है, तो माहौल तो इस समय जाने वाला नहीं है, बट क्या करें, डेट वगैरह एक्चुअली पहले से ही फाइनल हो चुकी थी, तो इसलिए अनी तो नहीं जा रही, ना ही सनाया जा रही हैं, सिर्फ मैं ही जो है वो जा रहा हूँ। बाकी वहाँ सारे लोग जो है वो रेडी हो गए हैं, अभी कॉल वगैरह भी आ गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट निकल के जो है पहुँचता हूँ। बेटा चलोगी? चलोगी बताओ। बेचारी जो है सनाया का भी काफ़ी जो है मूड लग रहा था जाने का, वानी तो जो है जाने के लिए रेडी थी, बट मैंने कहा कि जो है इस समय आप लोग जो है घर पर ही रहो, मैं होके आता हूँ। सही हो जाएगा स्पीकर? स्पीकर तो ऑलरेडी सही है पहले से। बंद करो। बेटा आप भी चलती तो अच्छा लगता है यार, चलो ना, चलो आप मत चलो। ले क्या चले, ऐसी कंडीशन चल रही है, ले जाने वाली है ही नहीं माहौल। ओके बाय बाय बाय। आपको नहीं ले चलेंगे। आजकल कोशिश करें कि जो है अगर किसी को पैसे वगैरह देने हैं तो चेंज ही दें, क्योंकि जो है नोट को ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो आपका प्लान जो है वो बना का बना ही रह जाता है। ऐसा ही अनी के साथ हुआ है। एक्चुअली अनी की जो एक क्लोज फ्रेंड है, तो उनकी जो है हाल ही में शादी होने को है, बट जो है अनी ने उसके लिए काफ़ी जो है तैयारी वगैरह की थी। जब कोई अपना खास होता है तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है, बट हुआ क्या कि जो है इस कोविड की वजह से उनकी शादी वगैरह तो बस सिर्फ नाम की ऐसे ही निपटा दी जाएगी, और अनी भी बेचारी जो है नहीं जा पा रही हैं। कार में एक आवाज़ आ रही है, पता नहीं, मैंने जो है काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बट कुछ जो है आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ से जो है वो नॉइज़ आ रही है। तो जिन भाई साहब की जो है इंगेजमेंट होनी है, तो उन्हीं के गाँव में जा रहा हूँ पहले, तो वहाँ से जो है जितने भी लोगों को जाना है तो सारे लोग जो है जाएंगे बाया कार। और एक्चुअली हम लोगों को जाना है वो यहाँ से लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर्स दूर है, एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं जो है वो इंगेजमेंट का प्रोग्राम वगैरह है, और हाल ही में जो है शादी भी होने वाली है। तो आज जिनकी इंगेजमेंट होनी है वो है मिस्टर अमित। कहाँ चल रहा है, क्यों? पीलीभीत? पीलीभीत में है। अच्छा अच्छा, शादी कितने को है? 2 मई। एक मेरी मौसी जी हैं, तो उन्हें भी जो है लेने जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रहती हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें उल्टी बहुत आती है भाई कार में। तो देखो हम लोग कैसे पहुँचे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, पल पल में गाड़ी जो है रोकनी पड़ती है। एक बार एक्चुअली जब मेरी इंगेजमेंट थी लखनऊ में, तब इंगेजमेंट नहीं थी, आई थिंक सिर्फ हम लोग जो है अनी से मिलने गए थे फर्स्ट टाइम, तो क्या बताएं, अरे कम से कम 20 जगह जो है गाड़ी रोकनी पड़ी, पूरे जो है जहाँ पे 3 घंटे लगने चाहिए 5 घंटे लगे पहुँचने में, उनकी काफी तबीयत भी खराब हो गई। अरे मैंने भाई लगा हो, ये तो गलत बात है। लगा इधर यहां मैं ठहर जा तो लगा दे काम ले का लगा। अच्छा चल, ताकि चालान आलान ना कटे। हां आज जो है मौसा जी को मास्क लगवाते हैं। बहुत सही नंबर, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग जो है अभी फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए जो है रुके हैं, मिठाई भी लेनी है। भैया मिठाई वाली शॉप उधर ज़्यादा अच्छी है एक। हाँ यहाँ भी सही मिल जाएगा। हेलो, तो चलो पहले फ्रूट्स हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद जो है मिठाई वगैरह लेंगे। ककड़ी कितने में है? क्यों ककड़ी 10 की 2 है, 10 की 4 है। ककड़ी में उन्होंने मिर्च भी लगा दी यार।
हालांकि मुझे पाइन एप्पल काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे ज़रूर जो है पैक कराएंगे, इसे जो है टोकरी में ऐसे रखवाएंगे बीच में, बाकी सारे फ्रूट जो है इसके साइड साइड से लग जाएंगे, बस हो जाएगा काम, सही रहेगा ना, काफ़ी पका हुआ है, देखने में भी अच्छा है और आई थिंक खाने में भी काफ़ी स्वीट होगा। तो अभी यहाँ पे जो है रेलवे क्रॉसिंग पड़ गई है, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा ट्रेन आने में। तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ आ गए हैं और मामा जी वगैरह यहाँ फ्रूट्स इन्होंने उतार लिए हैं। चलो चलो भाई गाड़ी बंद कर दो, चलें, लॉक हो गई वो तो अभी कर देंगे, इधर गई मेरी की, अरे इधर खड़ी कर दो आगे, सही है और आगे बढ़ा लो, सीधी कर लो, तो लग रहा पूरा ऊपर इंतजाम है ना। चलो चलो भाई, अब ये दोबारा तो आएंगे नहीं, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पे विवेक को एक चैलेंज दे रहे हैं, क्यों एक बात बताओ तुम, ये नमकीन, ये सारी जिसकी नमकीन है ना, मतलब जो भी नमकीन है और इसमें मूंगफली है, मसूर की दाल की जो नमकीन है उसे अलग करना, कितना टाइम लगाओगे बताओ? एक घंटे में कर लोगे तुम? क्यों तो करो। तो फाइनली हम लोग जो है लंच वगैरह करके और यहाँ बाहर छत पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, खाना ज़्यादा खा लिया यार, पेट भर गया। क्या क्या बना था खाना में बताओ, तेज बोलो यार, तुम तो काम बहुत तेज चला रहे हो। बनी है और भिंडी भी बनी है और कटहल बना, कटहल भी बना है, भी काय लगा रहे हो हर चीज में, एक और मटर पनीर था, कटहल और भिंडी और पूड़ी थी, रोटी थी, पूड़ी थी, पूड़ी और पुलाव, बस पुलाव में थोड़ा सा, अब पुलाव में थोड़ा सा जो है तेल ज़्यादा था। ये मिस्टर अमित, तो इनकी ससुराल है यहीं जहाँ हम लोग आए हैं, मतलब होने वाली है, अभी तो इंगेजमेंट है ना, और यहीं इधर जो है ये सामने आप लोग देख पा रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये शाहजहाँपुर से बैठेंगे और सीधे जो है आ जाएंगे, नहीं आने जाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाया रोड आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये अपनी पल्सर से चले आना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही कि मेरा मास्क जो है वो नीचे गिर गया, तो अभी जो है एक बच्चे को भेजा है, वो लेके आएगा बंदा, ले आओ वहीं से लेके आ जाओ नीचे से। तो भाई बंदा जो है मेरा मास्क ले आया, बहुत अच्छा लड़का है कि नहीं, जल्दी देखो आ गया, फटाफट काम कर रहा है कि नहीं, हमें लग रहा है उन्हें पूछा भी नहीं कि जो जाए छत पे नहीं जाए। थैंक यू ब्रो, आपको ये चैनल है? हाँ, तो यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो कि कह रहे भैया मैं आपका चैनल पहले से जानता हूँ, तो अभी वो फ़ोन में जो है ओपन करके मुझे ही दिखा रहे हैं कि यही वाला है आपका चैनल, मिला संजय कुमार पाल है ना भाई, संजय पंडित जी ने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सारे कार्यक्रम जो है वो निपट गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलने को हैं, और कैमरे की जो है बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि दूसरी बैटरी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं दूसरी बैटरी लेके नहीं आया, बट कोई नहीं, अगर बीच में ज़रूरत पड़ा तो मैं जो है मोबाइल से रिकॉर्ड कर लूँगा, और बस अब फटाफट, एक्चुअली टाइम काफ़ी हो गया, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकलें, 4:15 बज गए हैं, तो सोच रहे हैं अगर आधे घंटे में भी यहाँ से निकलते हैं तो लगभग 7 बजे तक तो आराम से पहुँच जाएँ। जो है वो पूरा इधर पूरनपुर का जंगल है, काफी बड़ा जंगल है, चारों तरफ पूरा जो है पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं है।
तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ गांव आ गए हैं, और अभी मैं अपने घर नहीं पहुँच पाया हूँ, बस पास में ही है घर। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है घर पहुँचने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।